भारतीय युवा कांग्रेस ने तेल की बड़ी कीमतों और पेगासस मामले को लेकर आज प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। राहुल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, लेकिन पीएम मोदी रोजगार के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते। यूपी भाजपा नेताओं में आपसी तकरार बढ़ती जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले जितेंद्र सिंह बबलू के बीजेपी में शामिल होने पर रीता बहुगुणे जोशी काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि वे इस खबर से सन्न हैं। रीता बहुगुणे की इसी नाराजगी से भाजपा में बड़ा भूचाल आ गया है। अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले रोजाना अभी भी भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। ये कोरोना एक्टिव मामले की संख्या भी 4 लाख से ज्यादा है। 24 घंटे में आए 42,000 से ज्यादा केस, 533 संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के 2 साल आज पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर ही श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और फायरिंग हुई। उधर इस मामले पर कश्मीर में सियासत भी खूब गर्मा गई है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। भारतीय हॉकी टीम की दुनिया में चर्चा हो रही है, पूरे देश में जश्न का माहौल। पंजाब चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का साथ छोड़ दिया है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री मुख्य सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। लखनऊ में साइकिल यात्रा के दौरान खुद अखिलेश यादव ने संभाली कमान। यूपी के कई जिलों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। पंजाब चुनाव में बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेलने का दावा करने वाली एसपी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पार्टी को लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी। सपा के नेता और कार्यकर्ता योगी सरकार को हराने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही हुई है। अब तक 5 पुल दतिया शहर में टूट चुके हैं जो सिंध नदी पर बने थे, जबकि 3 पुल भिंड में टूट चुके हैं। अब तक 2 पुल पर खतरा बना हुआ है। शिवराज सिंह ने कहा, 70 साल में पहली बार ऐसा भयानक मंजर देखा है। पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने पिटीशन से कहा कि सभी अर्जियों की कॉपी केंद्र सरकार को भेजें। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि अगर जासूसी से जुड़ी रिपोर्ट सही है तो ये गंभीर मामला है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों से पीएम मोदी ने बातचीत की। इस मौके पर पीएम ने विपक्ष से ही सवाल कर डाले। पीएम ने संसद में कामकाज नहीं होने की जिम्मेदारी विपक्ष पर डाल दी है।